बाद में बताएंगे। छात्रों आज हम कक्षा 9 में विज्ञान विषय में अध्याय 13 हम बीमार क्यों होते हैं। तो बीमार क्यों होते हैं, बीमार मानसिक रूप से भी हो सकते हैं और हम शारीरिक रूप से भी हो सकते हैं। यदि हम प्रसन्न हैं, हमारी पर्याप्त नींद हो रही है और हम बकायदा अपने समाज में रहते हुए सामाजिक जीवन का अच्छी तरह से निर्वाह कर रहे हैं तो हम स्वस्थ हैं। तो कभी कभी व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है शारीरिक रूप से, लेकिन वो किसी से बात नहीं करता है, चिड़चिड़ाता है, तो वो भी एक प्रकार की क्या है, बीमारी है। तो कभी कभी बीमारियां आकस्मिक भी हो जाती हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनसे भी लोगों का स्वास्थ्य, भूकंप आना आपने देखा ना, या कभी कभी किसी फैक्ट्री से हानिकारक रासायनिक पदार्थ निकल जाते हैं, वो भी हमारे शरीर पर क्या डालते हैं, बुरा प्रभाव डालते हैं। तो हमें इस पाठ में ये पढ़ना है कि हम बीमार क्यों होते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो स्वास्थ्य संबंधी हैं। तो हमें स्वास्थ्य और रोग के बारे में पढ़ना है, क्योंकि शारीरिक रचना जटिल है, कुछ कोशिकाओं और ऊतक से बनी हुई है। यदि कोई भी कोशिका या ऊतक सही ढंग से कार्य नहीं कर सकता है तो वो हमारे स्वास्थ्य में एक बहुत बड़ा क्या होगा, रुकावट होगा। आपको मालूम है कोशिकाओं से सजीवों की रचना होती है और हम अपने भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये सारी चीजें लेते हैं और इन्हीं से हमारी कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। यदि हमारा वृक्क हम ठीक ढंग से कार्य ना करे तो हमारे शरीर के विषैले पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे और हम बीमार हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमें देखना है कि बहुत सी ऐसी जटिल प्रक्रियाएं हैं जो हमारे शरीर में चलती रहती हैं। सांस, फेफड़े सांस लेते हैं, हृदय धड़कन करता है और इस प्रकार हम ये सारी चीजों को, शरीर हमारा सुचारू रूप से कार्य करता रहे तो हम इसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा हम अपने भोजन से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कोई भी कारक जो कोशिकाओं एवं ऊतकों को उचित प्रकार से कार्य करने से रोकता है तो हम बीमार हो सकते हैं। मतलब हमारे शारीरिक कार्यों में कुछ ना कुछ क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इस लेसन में हमें रोग के बारे में पढ़ना है, स्वास्थ्य और इसका बिगड़ना। स्वास्थ्य मतलब अच्छे से रहना। तो हम यहाँ देखेंगे कि अच्छे से रहने का मतलब है कि हम स्वस्थ हैं। अच्छा स्वास्थ्य मतलब कि हम ये काम कर सकते हैं, हम ये काम नहीं कर सकते हैं तो हमें, हम बोलेंगे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार कुछ रोग ऐसे होते हैं जो दीर्घकालिक होते हैं, कुछ कम समय के लिए होते हैं और जो रोग होते हैं वो व्यक्तिगत या सामुदायिक समस्याएं भी उत्पन्न कर सकते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य, आप अपना घर साफ रखते हो लेकिन आप जैसे ही बाहर निकलते हो सड़क में कचरा है, तो ये भी हमारे शारीरिक और मानसिक सामाजिक जीवन पर हम इसका प्रभाव पड़ता है कि आसपास का वातावरण मतलब सामुदायिक समस्या, सामुदायिक स्वास्थ्य को ये प्रभावित करता है। और इसकी व्यवस्था हमारी सरकार, हमारे शहरों में नगर निगम, ग्राम पंचायतों के द्वारा की जाती है, इससे हमारा भौतिक पर्यावरण बहुत अच्छा बना रहे। कूड़ा करकट उठाना, प्रकाश की व्यवस्था करना है, और नाले के रुके हुए पानी यदि पड़ा हुआ है और खराब है वो, तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो हमें व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ एक सामुदायिक स्वच्छता का भी हमें ध्यान रखना है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो कि यदि हम ये सफाई नहीं रखेंगे तो रोग संचरण हो जाएंगे। तो हमें रोग संचरण से बचाव करने के लिए ये जो पांच स्वच्छता संबंधी, 5S, पांच स्वच्छता संबंधी बातों को ध्यान में रखना है।
और ये अभी चल भी रहा है, और ये आप चित्र के माध्यम से आप समझ गए हो, पीने का पानी अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि इनका उपचार, यदि गंदा आता है तो उसमें कुछ कीटनाशक डालकर या उसका इकट्ठे करने का तरीका, स्वस्थ होना चाहिए। हाथ धोना है, पूर्व हाथ धोना है, खाना बनाने और खाने से पहले और मल त्याग के बाद भी हमें हाथ अच्छे से धोना है। मक्खियां ना आए तो हमें खाद्य पदार्थों को ढककर रखना है, मक्खियों को नियंत्रित करना है, और खुले में शौच क्रिया नहीं करना है, और सब्जियों को उपयोग करने के पहले हमें साफ पानी से धोना है, और जो गंदा पानी है उसकी निकासी व्यवस्था अच्छी रहनी चाहिए। और जल का उपचार, यहाँ पहले भी आया है कि जल को हमें शोधन करके ही उसका उपयोग करना है। तो ये स्वच्छता संबंधी ये पांच बातें आपको बताई गई, इनका पालन हमें रोज दैनिक जीवन में करना है। और यदि हम स्वस्थ भोजन लेते हैं, संतुलित भोजन लेते हैं, वही हमारे शरीर के लिए एक औषधि का कार्य करता है। तो हमें ये अपना व्यक्तिगत स्वास्थ्य बनाए रखना है, तो हमें भोजन को संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। तो स्वस्थ रहने और रोग मुक्त में थोड़ा सा अंतर है कि हमें कोई भी रोग होने ना पाए। हम रोग के विषय में तब बात करते हैं जब हमें असुविधा के विशिष्ट कारण का पता होता है। जब कोई रोग हो जाता है, हमें तकलीफ होती है, तब हम मानते हैं कि हमें ये बीमारी हो गई है। और जब तक रोग नहीं होगा तो आप नहीं कहेंगे कि हमें कोई भी रोग है, और हम आप कहेंगे हम स्वस्थ हैं। तो जो रोग होते हैं उनके क्या कारण है? रोग हमारे शारीरिक क्षमताओं, हमारी कोशिकाओं को क्या करते हैं, नष्ट कर सकते हैं। और हम रोग किस तरह दिखाई दें, तो हमें पता कैसे लगता है? तो आपने उसके ऊतक के बारे में पढ़ा, हमारे ऊतक के जो कोशिकाएं हैं वो ठीक ढंग से कार्य नहीं करती हैं। जैसे पाचन तंत्र में आमाशय, आंत होते हैं जो हमारे शरीर द्वारा खाए गए भोजन को क्या करते हैं, पचाते हैं। पेशियां और अस्थियां का पेशी कंकाल तंत्र, आपने पेशियां पढ़ी हैं। तो इस प्रकार पूरे ये तंत्र और कोशिकाएं हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्य करते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि जो रोग हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक है तीव्र तथा दीर्घकालिक रोग। दीर्घकालिक मतलब जो लंबे समय के लिए हो जाते हैं, और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कम समय के लिए होते हैं। जैसे बुखार का आना, मलेरिया, ये कम समय के लिए होगा, तीव्र होगा, लेकिन मतलब ठीक भी हो जाएगा। सर्दी, खांसी, जुकाम, ये कुछ समय के लिए होंगे। और कुछ रोग होते हैं जो लंबे समय के लिए होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं दीर्घकालिक रोग। जैसे कैंसर भी दीर्घकालिक रोग हो जाता है। एक फील पाँव, इसको एलिफेंटाइसिस कहते हैं, पैर हाथी जैसा फूल जाता है, तो उसको हम फील पाँव रोग कहते हैं। ये भारत के किसी किसी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो जो दीर्घकालिक रोग हैं और उनसे हमारे स्वास्थ्य पर विभिन्न प्रभाव पड़ता है, ये कोई भी अंग को क्या करते हैं, प्रभावित कर देते हैं। तीव्र रोग होते हैं वो तो कम समय के लिए होते हैं, जैसे बुखार आते हैं, मलेरिया आया, तो ये कम समय के लिए होगा। लेकिन जो दीर्घकालिक रोग होते हैं, ये हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे टीवी, टीवी मतलब ट्यूबरक्यूलोसिस, तपेदिक भी बोलते हैं इसको, ये दीर्घकालिक रोग है और कई वर्षों तक ये हमारे शरीर में रहता है यदि इसका उचित इलाज ना कराया जाए। और यदि आप दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हैं तो हमें स्कूल में पढ़ाई को समझने में कठिनाई होगी, और हमारी क्षमता में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार रोगों को हम दो भागों में बांटा, एक तुरंत होते हैं तीव्र, और कुछ होते हैं दीर्घकालिक रोग। तो इस प्रकार हम
इसमें जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो रह सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आपको हल करना है।